अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मेरीन राहील मुनीर। आप लोग देख रहे हैं ईद मेला। हमारे साथ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो आज हमारे लिए बहुत मज़े मज़े के खाने बनाएंगे। रेसिपीज़ लिखना मत भूलिएगा। और हमारे प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटीज़ आने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोफिया मिर्ज़ा एंड सायरा नसीम जी। कैसे हैं जी आप लोग? बिल्कुल ठीक। कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी। आप पहले आए हुए आई नहीं हूँ, बट आई हैव हर्ड ऑफ इट एंड इट्स ऑल अबाउट खाना, कुकिंग एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट शेफ्स इन द वर्ल्ड। तो वी कैन इमेजिन कि कितना अच्छा खाना बनाते होंगे और टेक्निक्स एंड यू नो ऑल द थिंग्स अबाउट। खाना पकाने का शौक है? खाने का बड़ा शौक है। पकाने का बिल्कुल भी नहीं? नहीं, आता हो तो मैं पका लेती हूँ। और आपको जी? जी मैं क्यों नहीं, क्या क्या चीज़ अच्छी बनाती हैं? सब कुछ शुक्र है अल्लाह का। मैं सच्ची बात बताऊँ, अब यहाँ पे तो ये सिखाते ही होंगे सब कुछ जी। हमारे घर में करेले गोश्त बहुत अच्छे बनते हैं। ये वैसे पंजाब की लाहौर की खासियत है। पालक गोश्त, करेले गोश्त बहुत अच्छे बनते हैं। धनिया गोश्त कभी खाया हो? बिल्कुल खाया हुआ है। ये इनफैक्ट ये आपको पता है बुशरा अंसारी जो हैं, बुशा आपा ने ही मुझे इसका बताया था। हाँ। और मैंने बड़ी मुश्किल और धनिया गोश्त बनाना बड़ा बहुत होता है, क्योंकि वो कुछ लोग बनाते हैं कि वो मिक्स नहीं होता, उसको घोल के बिल्कुल एक जान करना नहीं, उसको करना ग्राइंड भी क्यों करें। अच्छा। उसको वैसे ही ऐसे बनाएं कि वो मिक्स हो जाए बिल्कुल गोश्त के साथ। आपके हाथ का फिर किसी ने खाया? मेरे घर में बहुत सारे आर्टिस्टों ने खाया है, बहुत सारे खाना नहीं जब मर्जी। वैसे एक मैं बात बताऊं, जो पंजाबी घर हैं उनकी कुछ खासियत, कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो कहीं भी आपको नहीं, और पुराने ट्रेडिशन ये नए नवेली। क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती थी ना खाना, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। और वाकई में और वो एक चीज़ बनाती थी, मटन के पसंदे बनाती थी वो। अब मैं मुझे मिलते ही नहीं उस तरह, वो जैसे वो बनाती थी ना वो घर में मिलते ही नहीं ना, भाभी उस तरह बनाती है। खप्पा बहुत अच्छा खाना बनाती है। माँ के हाथ का टेस्ट तो हर चीज़ में इसके नहीं आया मुझे, जैसे मेरी माँ बनाती थी। आपकी ईद की कोई ऐसी मेमोरी जो कि आपकी वालदा के साथ हो, जो आपने बताया आप इतने प्यार से उनको याद करी हैं, जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहिए? मैं करती हूँ, माँ बाप को तो मिस करता है इंसान बिल्कुल, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है, बेलॉस रिश्ता है, बाकी सब लालच के रिश्ते होते हैं। ईद कैसे मनाई जाती थी जब वो जिंदा थी? तब तो कमाल ही होती थी, माँ से भी ईद, जैसे कि हमें बताएं ना, घर घर में माँ से ईद मिलती थी। मतलब अब ये है कि बहन भी बड़ी, सिस्टर जो उनकी भी डेथ हो गई, वो भी बड़ी थी, तो बड़ा भाई तो है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, मेरे भाई तीन भाई, एक भाई की डेथ होगी बड़े की, तो मैं अब मुझे वो सब करना पड़ता है। तो आपके घर दावत होती है? जी हाँ, घर फ्रेंड फैमिली घर। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जैसे कि अब हम देखें ना, अगर मैं सोचना चाहूँ कि आपके घर में क्या होता है, तो कैसे आप कैसे बयान करेंगे? सुबह उठते हैं, फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, फिर क्या करते हैं? हाँ जी, ऐसा ही तो है, सबका तो मैं नहीं कह सकती, जो जो पढ़ते हैं। सीधी सी बात है, मैं भी बस कहना तो नहीं चाहिए, मगर शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने ये दिल में डाली हुई खौफ डर है कि ये ज़रूरी है, नमाज़ बहुत ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ती हूँ सुबह। फिर बेटी मेरी जो है माशाल्लाह 8 साल की है, तो वो उसको बड़ा जागने का शौक है, मैं उसके पीछे लगी रहती हूँ। आतिका मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है, मैंने सुबह को काम करने, मामा आप सो जाओ, मैं जाग रही हूँ, अकेली लाइट बुझी तो जाग रही होती है, इस तरह की हरकतें करती हैं। बस है, भाभियाँ सब उठती हैं घर में, नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, खाना शाना वही सारा कुछ। दस्तखान का क्या होता है ईद वाले दिन? ईद वाले दिन मैं समझती हूँ कि क्योंकि कुर्बानी जो है वो गरीबों का हक है, उनको ही देनी चाहिए, बचाए कि अपने फ्रीज़र भर लें और फ्रिजें भर लें, वो बेहतर ये है कि उनका जिनका हक है उनको दें, ये है। मगर वो कुर्बानी खानी भी बहुत ज़रूरी होती है, कि उसका ज़रूरी है कि जब कुर्बानी करें तो उसका गोश्त खाना चाहिए, तो वो थोड़ा सा रखते हैं जो बनाते हैं, ये यखनी वाला पुलाव बनाते हैं मटन का, और बनाती हैं वो स्टू बनाती हैं मेरी भाभी हैं उस दिन ना। अच्छा। घर में तो साथ में मैं तो खैर वो खा नहीं सकती इतना, मेरे से नहीं वो खाया जाता ना कुर्बानी का गोश्त, फिर मैं कहती हूँ साथ में कोई सब्ज़ी वगैरह बना ले, दाल बना ले, दाल माश में बड़े शौक से खाती हूँ। अच्छा। अक्सर उनको कहती हूँ ये बना दें, चने की भुनी हुई दाल जो होती है जी, एक तो होती है ना, दूसरी वो थोड़ी सी, हाँ मैं थोड़ी सी वो भुनी हुई खाती हूँ मसाले वाली, तो वो बनाती हैं, फिर इस तरह की कुछ चीज़ें खाते हैं। आपने दुनिया देख ली, आप इतना फिरी हैं, आपने इतने खूबसूरत गाने गाए, आपकी नातें जो हैं वो इस कदर सुनी जाती हैं, इस कदर ब्यूटीफुल आवाज़ में आपने गाई,
कैसा रहा ये सारा आपका एक्सपीरियंस? मेरा स्टार्ट ही पहले तो ये है कि मैंने 8-9 साल की एज में गाना सीखना शुरू कर दिया था. 11 साल की एज में मैंने पहला स्टेज प्रोग्राम किया था. डर लगा? किया था नहीं, उस्ताद ने बात ही ऐसी जहन में डाल दी कि बचपन से ही ये था कि मैं बचपन में मदान मतलब गाती थी, मैं कप जीतती थी, मैं मदान गा रही. नन्नी कहते थे, बेबी नसीम कहते थे मुझे. ये बेबी नसीम ने स्पार्क तो बहुत है अभी भी. हाँ, अभी भी आप बड़ा करते थे. तो वो बस स्टार्ट किया फिर गाना शाना और प्लेबैक. ये शुक्र है अल्लाह का, मेरा स्टार्ट प्लेबैक सिंगिंग से. मैंने पढ़ा आपके बारे में, नरगिस जी पे बहुत पिक्चराइज. नरगिस पे हिट पे हिट पे हिट बहुत है. रेशम पे, रेशम दिल तोड़ के ना जा, घड़ी रात का एक बजाए, सारे रुखसी का होंठों पे लाली, सारे गाने मेरे बारूद के रेशम पे हुए. रीमा पे की क्वीन है हमारी, रीमा पे, फिर साइमा पे चूड़ियां फिल्म के सारे गाने. बिल्कुल, वो फिल्म किसी को भूल ही जाती है. मेहंदी वाले हाथ, मेहंदी वाले हाथ, लौंडा निशकारा, बिल्कुल. ये सारी मूवीज और 3 नेशनल अवार्ड मैंने हैट्रिक की थी लगातार, चूड़ियाँ, संगम और बहराम डाकू से. फिर उसके बाद ये जो सिदार्थी तमगा इम्तियाज मिला है, ऐसे नहीं मिल जाता. बचपन से स्टार्ट किया, फंड रेजिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया. फिर मैं कारगिल गई, सियाचिन भी गई, वहाँ भी आर्मी के, पाक फ़ौज के, उसको सलाम, पाक फ़ौज को हमारे मुल्क की कहते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा मैंने काम किया. मेरे मिली नगमे, मेरा चलो ये सोचे हम आज मिलके, बहुत ज़्यादा हिट है. ऐसे ही तो आपको इतने सारे इनामात और तमगे नहीं मिले ना, आपने हमारे मुल्क की इतनी खिदमत की, हम सब की इतनी खिदमत की, हम सब इसीलिए आपको इतना पसंद करते हैं. कोई ऐसा गाना जो आपको खुद बहुत पसंद हो? मुझे जी अपना जी अपने तो मैं गज़लें ज़्यादा सुनती हूँ. गज़लें भी गाई हैं, हालाँकि ये हमारा फिल्म का काम अच्छा होता है सारा, मगर फिल्म का भी एक सॉन्ग मुझे बड़ा अच्छा लगता है. रुखसती फिल्म का है वो, मैंने और अमीर अली ने गाया था. चांद आसमां पे अगर ना होता, हम किसे आपसा हंसी कहते, आपके जो पांव ज़मीं पर ना पड़ते, हम किसे फिर ज़मीं कहते. ये गुलजार साहब ने लिखी थी स्टाइल, अच्छा. तो उन्होंने भेजी थी ये. तो उसके बाद मैंने सोलो ये कर लिया. मैंने अमरशद साहब को, अमरशद साहब ने बहुत अच्छा इसको बनाया, तो मैंने कहा भाई जान अरशद मैंने तो करना है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है. बड़ा अच्छा वो ना लव सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत. तो मुझे मेरी बेटी अब जो है ना, रात को सोने के टाइम वो एयरबड्स लगा के तो वो सुनती है. मम्मा मैं ये सुन के सो जाऊँ, मैं सो जाऊँ. जब छोटी थी आप लोरी गा के सुनाया करती थी? अभी भी सुनती है. अब कहती है वो सुना दे, वो जो आपने वो टीवी पे गाई मैडम जी की एक लोरी मैंने गाई थी एक प्रोग्राम में, चंदा की नगरी से आ जा, कहते वो सुनाए यार, सुनाए मुझे तो वो सुना के सुना. अरे सिंगर माँ का फायदा कितना नहीं हो रहा है. वो खुद माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो कुछ भी नहीं. मुझे मेरे से कभी कभी वो मुकाबला करती इस बात, कहती है ये जगह मैंने जो कही है ये कहेंगे आप बेटी, मैं उसका मुंह देखती हूँ. मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, सही है. मैंने नोट किया कि शी इज़ लाइक, माँ की जो बात होती है ना औलाद को ज़्यादा 10 हाथ आगे बताते हैं, क्योंकि दिस इज़ द लव शी इज़ स्पीकिंग. अच्छा आप बताइए कि अब आप क्या कर रही हैं? मैं आजकल ड्रामा सीरियल्स कर रही हूँ, चंद एक जो हैं, 2-3 प्रोजेक्ट ऑन एयर गए. अभी रिसेंटली जो है फिल्म का जो था साइन की थी मैंने पाकिस्तान से बाहर, बाइलिंगुअल इंग्लिश और पंजाबी की. तो वो चूँकि कोविड एंड कोविड की वजह से थोड़ा सा टाइम का मसला हो गया है. लेटर ऑन उसकी शूट शुरू हो जाएगी, तो वेरी सून आई माइट बी डूइंग फिल्म्स. अच्छा, बड़े अरसे बाद. दैट्स वेरी नाइस. हिम्मत कर ली. एक ट्रांजिशन में से कैसा रहा बीच में, पहले अपने अरूज पे छोड़ा, फिर बीच में इतना लंबा ब्रेक लिया, फिर दोबारा रीजॉइन कर रही हैं, तो कैसा लग रहा है ये सारा कुछ, ये सब कुछ, ये सफ़र जो है आपका पूरा? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग दो, थोड़ी सी होते ना आते हैं अप्स एंड डाउन्स, और ये होना ज़रूरी है डाउन्स. आई हैव सीन अप्स इन लाइफ. बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी मिल गई, बहुत जल्दी जल्दी सुपर मॉडल, टॉप एक्टर, अवार्ड्स, चीज़ें, एंड देन उसके बाद ब्रेक लिया शादी की वजह से, तो कुछ चीज़ें सीखी मैंने. आई थिंक दैट वॉज द टाइम जो मुझे बेहतर किया, मुझे मेरी पर्सनैलिटी को मज़ीद इम्प्रूव किया. आज हम आपके लिए बना रहे हैं बीफ निहारी. इसको हमने पहले हाफ कुक कर लिया था, जैसा कि आप देख ससकते हैं. हमने सबसे पहले ऑयल में 3 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन डाल के उसको सोटे किया था, जैसे ही उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हुआ था. साथ ही हमने उसके अंदर बीफ शैंक यूज़ किया है, क्योंकि निहारी के लिए बीफ शैंक यूज़ होता है. बीफ शैंक डाल के हमने उसको 5 मिनट के लिए पकाया है. उसके बाद उसके अंदर हमने पानी डालकर इसको स्पाइसेस डाले हैं इसके अंदर, और इसको पकने के लिए रख दिया था.
इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, अजवाइन, गरम मसाला, काली मिर्च, तेज़पात, नमक, मिर्च, इलायची, हल्दी, बादियान का फूल, कसूरी मेथी, ज़ीरा और काला ज़ीरा और जायफल जब तक। तो अब हम इसके लिए तरी तैयार करेंगे जिसमें हमने मैदा लिया है। मैदे को हम पहले थोड़ा सा भून लेंगे, फिर उसके अंदर पानी डाल के हम निहारी में ऐड करेंगे। हमारे पास ये आटा है, इसकी हम भुनाई कर रहे हैं, फिर बाद में पानी में मिक्स करके इसकी स्लरी बना के तो उसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद उसे बघार लगाएंगे। आटा जो है वो हमारा भुन चुका है, ऐसे हम इसकी क्वांटिटी एक कप के अंदर एक टेबलस्पून। इसकी जो स्लरी है वो बना के तो वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं, डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते रहेंगे ताकि कोई गुठली ना बने। अब इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर हमारी निहारी जो है वो रेडी है। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, सिर्फ हम ये हमने ऊपर तरी बनाने के लिए इसके अंदर तरी डाल रहे हैं। गार्लिक और ग्रीन चिलीज के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। और ये हमारी बीफ निहारी तैयार है। पुरानी आप में और आज की आप में क्या फर्क है? पहले मैं थोड़ी सी मैं गुस्सीली थी, गुस्से वाली थी। जब हम लोग बड़े यंग ना टीनेज में आप बहुत ठूठ हां समझते हैं, आगे जब हम बड़े होते हैं सब निकल जाते हैं, फिर इंसान कंफर्ट जोन में आ जाता है और अपने आप को अगर ना ही कुछ समझे तो बेहतर। एग्जैक्टली, यस लगता है। एंड इट्स नॉट द केस दैट मैं हो जाता था, नहीं खुद को समझने वाली बात नहीं है, वैसे ही एक होता है ना कि थोड़ा सा एक एज होती है, टीन में आप आ रहे हैं, कुछ बन गए, फिर काम में इतना लगे हुए, अम्मी की बात ही सुननी, फिर इस तरह नहीं करनी। मैं हूँ, दो बहनें हैं और अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी, अल्लाह जन्नत सेव करे। तो वो जितनी क्लोजनेस एक माँ और बेटी की है ना, वो मेरा ख्याल है दी बेस्ट बॉन्ड इन द वर्ल्ड। और वो जो चीज़ें प्यार, मोहब्बत, ईद, वो सब चीज़ें जो उनसे थी बहुत खूबसूरत थी। तो ईद कैसे गुजारा करती थी अपनी वालदा के साथ? अम्मी के साथ ही, तब ये था कि अम्मी के होते हुए अम्मी कुर्बानी देंगी, उसके बाद खाना जो होता था वो जो कलेजी वगैरह जो सुन्नत होती है वो बनाती थी, वो दोपहर को ज़रूरी है। जी हाँ, तो वो हमें खिलाती भी थी, बिकॉज मैं गोश्त, आई एम नॉट मीटी पर्सन, तो मैं दाल सब्ज़ी वीगन टाइप हूँ, तो मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती ये कह के खिलाना कि ये सुन्नत है तो खाओ कलेजी फिपरा, कलेजी तो वो दूसरी चीज़ें भी खाती है, जाहिर है वो तो सुन्नत है, वो तो वही, तो जिसने कुर्बानी की होती है ना वो जी उसी, तो थोड़ा सा वो होता था, फिर बांटना और फिर एक दूसरे के घर आना, एक किस्म की फीस्ट होती थी, मिलना कजन्स में, फ्रेंड्स। इस कदर कहते हैं ना अनप्रेडिक्टेबल टाइम है कि ना इंसान कहीं आ सकता है ना जा सकता है, चार लोगों में बैठ के बस ईद मना ली, ऐसे ही लिपस्टिक नहीं लग सकती मास्क के पीछे, सारी लिपस्टिक ऐसे ही, मैंने मास्क उतारा आधा मुंह, ये पूरी क्रस्टी द क्लाउन की तरह यहाँ पे पूरी लिपस्टिक लगी हुई है, अजीबो गरीब, उसको उतारने में 10 घंटे लग गए। यार शुक्र करो अब चीजें काम डाउन हो गई हैं, थैंक गॉड, पाकिस्तान इज द बस कंट्री वेयर हम अपने हर वी रिकवरिंग, अपनी जिंदगी सीधी करेंगे। मैंने ना मास्क वगैरह पहने ही नहीं शुरू से, बहुत बुरी बात है। मैं बताती हूँ, मैं ना इससे निकाब कर लेती हूँ, फायदा निकाब से क्या होता था, मेरा सांस रुकना शुरू हो जाता, मास्क पता नहीं उससे क्या होता था कुछ ऐसा, तो वही कहा है ना कपड़े का मास्क भी है जो आप निकाब इज द बेस्ट थिंग, वो आपका सही है, पॉलिसी सही रखी हुई आपने। तो बिल्कुल आजकल वैसे द थिंग इज के हम लोग, आई एम सो ग्लैड कि हम लोग सबको
वी आर गेटिंग वैक्सीनेटेड, जिंदगी कुछ नॉर्मल हो रही है, लेकिन अभी भी वैसी नहीं, आई डोंट थिंक कभी वैसी हो सकेगी जैसे पहले थी. एक डर, एक वहम बैठ चुका हुआ है सबके दिलों में. वही मैं अभी बात कर रही थी कि जो बच्चे हैं वो वैसे हाथ मिलाते हैं ना, ऐसे जफ्फी डालते हैं, हर चीज को हाथ नहीं लगाते, हर जगह ऐसे ऐसे, यू नो. पहले हम बड़ा घर दरवाजा खोल, ये कर वो कर, आजकल के बाद बच्चे आउटडोर गेम्स कितने करते थे, आउटडोर ऐसे घूमना बिल्कुल, और एक दूसरे में बर्दाश्त, एक दूसरे की, इंसान की बर्दाश्त खत्म हो गई. कोई थोड़ा सा आपके साथ करीब खड़ा हो जाए, तुम्हें साथ क्यों करीब, दूर आओ यहां से, दूर चले जाओ, 3 मीटर से दूर चले जाओ. बट आई थिंक दैट इज पेशेंस खत्म होती जा रही है. बट ये कि जो पेरेंट्स हैं स्पेशली, एंड आई वी एज वेल एज पेरेंट्स, वी शैल नो कि एक चीज आई और चली गई, बट उसके साथ साथ ये है कि समझाना बच्चों को, उसके साथ उनका ब्रेन वॉश करना, हमारे लिए ना एक तरह से चीज है कि जागो, अपने आप को ना इंसान बनाओ, और यू नो अपने आप को फूफा ना समझो. Exactly. एक झटका पड़ेगा और तुम लोग सारे सीधे हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, वो जो होता है ना, यस फूफा. एंड सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम मिस कर रहे थे. अच्छा, सबसे पहले जब भी जाते थे हम, फ़ोन पे हर कोई लगा हुआ है फैमिली मेंबर, बट एटलीस्ट नाउ घर पे रहने से कुछ ये हुआ कि कुछ फैमिली मेंबर जो है इकट्ठे हो गए, बड़े बच्चे सारे होते सारा जी, कि हम लोग किसी महफिल में बैठे हों कि किसी ने आपको घर पे बुलाया और उनके घर जाके अपना फ़ोन निकाल के ऐसे. एग्जैक्टली, ये बहुत बुरा लगता है, ये मुझे सख्त बुरी बात लगती है. बल्कि ये मेरा बेटा जो है इस बात पे बहुत कमेंट करता है कि कोई घर पे आया और फ़ोन पे लगा, वो सीधा धड़ल के 6 साल का है माशाल्लाह, बोल देता है कि आप आए हुए हैं घर पे तो आप आके हमसे बात कीजिए, आप घर पे जाके अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत बुरी है. ड्राइविंग सीट पे मतलब वो गाड़ी चला रहा साथ बैठ के फ़ोन इस्तेमाल, वो तो बहुत डेंजरस है, बहुत बुरी बात है. और इसके फायदे भी हैं, खाने से निकलिए खड़े हुए हैं तो भी दही नहीं है, तो आप चिकन के साथ क्या करें, चिकन दही की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल खोल, अभी तो ये बेस्ट चीज है, यू नो. अच्छा, अभी सायरा जी के बारे में मैंने कहा कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन देखूं, क्या इन्फॉर्मेशन देखूं, मैंने कहा इनके बारे में थोड़ा मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन देखी, एक्सीडेंट हुआ था, हर चीज पूछ रहे उन्होंने, अपनी बड़ी बड़ी आंखें मैंने क्या देखा, चेक हो गए. हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ऑयल ऑयल गर्म हो रहा है, हाफ टेबल स्पून हम गार्लिक डालेंगे, और हम डालेंगे सिराचा सॉस 2 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 2 टेबल स्पून, चिली गार्लिक सॉस सॉल्ट पेपर 1/2 टेबल स्पून, ऑयस्टर सोया सॉस 1 टेबल स्पून, ब्राउन शुगर 1 पिंच, वाइट पेपर 1 पिंच, सॉल्ट 1/2 पानी ऐड करेंगे, और हम क्या ऐड करेंगे, बीफ इसमें 1/2 पानी ऐड करेंगे, अब हम डालेंगे वेजीज इसमें, पहले ग्रीन कैप्सिकम, फिर टोमेटोस एंड बेल पेपर्स, स्प्रिंग अनियंस, तो हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें, गार्लिक सौते करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल में, ऐड राइस
मिक्स करो। पिंच ऑफ सॉल्ट, चिकन पाउडर, व्हाइट पेपर, ईद का मौका है, हमारे साथ इतनी खूबसूरत सिंगर बैठी हुई हैं, इनसे जरा कहिए कोई गाना तो सुनाए हमें। सारा जी, आपका जो गाना है ना नेड़े आ, आई जस्ट लव्ड इट। आपका हर गाना बहुत प्यारा है, लेकिन ये गाना मेरा एक प्रोग्राम में दो दफा हुआ और दो दफा खराब कर दिया। ये प्लीज कर दे, हम ये ओरिजिनल सुने ना, हम कॉपी क्यों सुने। कुकिंग कुकिंग का प्रोग्राम है आज और यहाँ पे नेड़े आ होने लगा है। गर्मा गर्म कुकिंग, गर्मा गर्म गाना और सायरा जी जिंदाबाद। चले जी, नेड़े आ आ आ ज़ालिमा वे मैं मर गईया, मैं मर गईया, अग बदलाने लाई दे फेरा मैं दुहाई, मैनू मार गई तेरी बेपरवाही, ठंड पा 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 जालमा वे मैं सड़ गई, आ आ मैं मर गई, अग बदलाने दे दे फेरा मैं दुहाई, मैनू मार गई तेरी बेपरवाही, ठंड पा 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 जालमा वे मैं सड़ गई, आ आ आ मैं मर गई। वाह, सबसे पहले हम राइस बना लेते हैं, सॉस बनने में इतना क्योंकि टाइम नहीं लगेगा। उसके लिए हमने लिया है आधा कप बॉइल्ड राइस है, हमारे पास सोया सॉस है, इधर हमारे पास इंग्रेडिएंट्स में सॉल्ट पड़ा हुआ है, चिकन पाउडर पड़ा हुआ है, ब्लैक पेपर पड़ी हुई है, और राइस के लिए बस इतना ही। ये बाकी वेजिटेबल्स हमने क्यूब में कटिंग करके पहले से रखी हुई है। हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, हमारा एग हो गया, तो अब हम इसके अंदर पहले कैरेट को ऐड कर लिया, कैरेट थोड़ा सा पकने में ज़्यादा टाइम लेती है इसलिए हमने कैरेट को पहले डाल लिया। उसके बाद हम इसमें कैप्सिकम ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर जो हमने राइस बनाए हुए थे हाफ कप बॉइल्ड राइस पहले से बॉईल करके रखे हुए थे वो हमने उसमें ऐड किए हैं। सोया सॉस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और
एंड पे चिकन पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. चावलों को मैं चम्मच इसलिए नहीं लगा रहा कि चावल हमारे टूट ना जाए, वरना हमारी लेडीज़ को ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि चावलों को किस तरह टूटने से बचाना है. जी हमारे एग फ्राइड राइस तैयार है, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे. अब हम चलते हैं चिली ड्राई के सॉस की तरफ. ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो गया है. ये बीफ को हमने पहले से अंडे और मैदे में मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको कम से कम 4 घंटे पहले कर लेना चाहिए ताकि इसमें अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए. तो अब इसको हम लोग फ्राई कर लेते हैं. इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको हम लोग हाफ डन करके निकाल लेंगे. बाकी जो ये इसका पकना होगा वो इसको सॉस के अंदर पकाएंगे. देख सकते हैं आप टेक्सचर के, इसको हम मैंने ज़्यादा कलर नहीं लिया. अब हम सॉस बनाने लगे हैं चिली ड्राई की. थोड़ा सा ऑयल लेके इसको हल्का सा फैला लेंगे. इसमें हम लोग थोड़ा सा गार्लिक ऐड करेंगे. गार्लिक हो गया, इसमें चिलीज को ऐड करेंगे. मैं बीज ऐड कर दिया. ये हमारे पास चिली गार्लिक सॉस है. सोया सॉस 2 टेबल स्पून, ऑयस्टर सॉस, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि सॉस अच्छे से पक जाए. इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सॉल्ट बिल्कुल लाइट ऐड करना है क्योंकि सोया सॉस भी सॉल्टिश है और जो ऑयस्टर सॉस यूज़ की है वो भी सॉल्टिश है. हल्का सा चिकन पाउडर, इसे मिक्स कर लेंगे. अब देख रहे हैं आप इसका टेक्सचर किस तरह का हो गया. और ये रेडी है, इसको अब हम साइड पे कर देंगे. इसमें हम सॉस ऐड करेंगे साइड पे. हमारे जो स्प्रिंग अनियंस हमने काट के रखे हुए थे ऊपर स्प्रिंकल हो जाएंगे. ये हमारा बीफ चिली ड्राई खाने के लिए तैयार है. आप आबिद कश्मीरी साहब के बारे में कुछ बता रही हैं? जी मैं उनके बारे में ये कि मैंने धनिया गोश्त की बात की थी. जी जी बिल्कुल. मुझे खाना खिलाना है सायरत में, मैंने क्या खाना है? धनिया गोश्त खिला. और मैंने कहा जी अच्छा डिश भी कौन सी उन्होंने बताई. तो मेरे घर में तो खैर बहुत अच्छा बनाते हैं, ये मुंह की बात नहीं, आर्ट है, लोग नहीं बना सकते, बहुत कम घर है बड़ा कोई ना. जी हाँ जाहिर बात है, हम जाहिर है अब हम भी आर्टिस्ट है, गाने वाले लोग हैं, आर्टिस्टों के घरों में खाना अच्छा ना हो तो फिर वो आर्टिस्ट भी अच्छे नहीं. सीधी सी बात है, सच्ची बात है. हाँ तो फिर जी उन्होंने इतने मज़े से खाया. और जहाँ भी कभी कोई इंटरव्यू होता है, जहाँ प्रोग्राम होता है, वो कहते जी धनिया गोश्त तो सायरा नसीम के घर का खाया. वो अक्सर ये कहते हैं.
अच्छा, आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? यही कहूँगी सबको कि सबसे पहले मुरादबंद की बहुत ज़रूरी है. कोई अगर सीनियर मिलता है तो उसको बड़ा झुक के मिलना चाहिए, अदब के साथ मिलना चाहिए. बिल्कुल सही बात. सलाम करने से किसी का कुछ ख़त्म नहीं हो जाता. बिल्कुल सही कहा. और मैं ये कहूँगी अगर कुछ अगर आता है गाना तो सीख के आए, अगर नहीं आता तो वो तो फिर आपको पता थोड़ी देर का ही है. लेकिन ये आपने बुलबुला जो पानी के बुलबुले जो ख़त्म हो जाते हैं, पत्थर हमेशा नीचे ही रहता है. हाँ, ये फिर आप बताओ कि बच्चों के हवाले, मतलब जो औरतें हुआ स्ट्रगलिंग इन लाइफ, वी सीन अ लॉट इन लाइफ. हम जो मतलब आप दोनों जो बैठे हैं, आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और यू हैव रिसेंटली बीन थ्रू अ स्ट्रगल और आपने माशाल्लाह अपने आप को होल्ड यू हेल्ड योर ओन. जो बाकी औरतें जो आपको देख के सीखना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो भी इस दलदल में से निकलें, आप उनके लिए क्या एडवाइस कहेंगी? व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? व्हेन इट कम्स टू मैरिज, पहला स्टेप ये है कि गलत नहीं लेना चाहिए. सो मैंने ये सीखा है कि आपकी यंग एज की जो शादी है और बेवकूफ़ी की शादी है, बिकॉज इट वॉज़ माई लव मैरिज, तो उसमें आपको सिलेक्शन सही करनी चाहिए और हमेशा बड़ों को सुनना चाहिए. एक चीज़. एंड जब शादी हो जाती है तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए टू डिवेलप अ फैमिली इन केस बच्चे हैं. और जब बच्चे हो जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को तरीके से लेना चाहिए. तो आई एम कनेक्टेड टू गॉड सो मच के दैट ओनली हेल्प्स एंड दैट स्ट्रेंथन माई बिलीफ इन दैट जो मैं कर रही हूँ वो मुझे मिलेगा. और एज अ मदर किसी भी औरत को एक हद तक सेक्रीफाइस करना चाहिए, अपने आप को लेट डाउन नहीं करना चाहिए अपनी औलाद के लिए. वो अपनी औलाद, क्योंकि व्हेन अ मदर इज स्टैंडिंग हाई और माँ के सामने उसकी बेटी या बेटा देख रहा है कि माँ की इज्जत खराब हो रही है या कोई डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है फैमिली मेम्बर से या ऑफकोर्स फादर से, तो फिर एक हद होती है ना कि एक औरत को हर वक्त मार पीट लड़ाई झगड़ा जो फिल्मों ड्रामों में हम देखते हैं, जब वो कैरियर होता है तो वो बच्चों पे बुरा इंप्रेशन हर चीज़ जेन्युइनली. सो दैट इज़ लाइक कि बहुत सी चीज़ों में आपको स्टेप लेना होता है. बिल्कुल. एंड अपना रिस्पेक्ट और अपने मैनरिज्म को रखना होता है. बना रहे हैं पाकिस्तानी ऑमलेट विद पराठा. तो इसके लिए सबसे पहले मैं बाउल में 3 टेबलस्पून अनियन, चॉप्ड अनियन, 1 के साथ मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स. ये इसमें मैंने अनियन में स्पाइसेस डाल दिए हैं. अब मैं इसको मिक्स करूंगी. पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 1 ही ऑयल हीट हो जाएगा इसमें हम अपना अनियन डाल देंगे और इसको हल्का सा सोते करेंगे. सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए इसको हम सोते करेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो हमारे कच्चे ना रहे. इसके बाद इसको ठंडा करने के बाद इसको हम अंडे में डालेंगे. अब बाउल में हम एग को अपने तोड़ लेंगे और अब इसको विस्क करेंगे. जैसे ही हमारे ये जो हमने अनियन सोटे किया था स्पाइसेस के साथ इस ठंडा होगा, हम इसमें ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और बाकी वेजिटेबल्स डालेंगे. 2 टेबलस्पून टमाटो, 1 टीस्पून ग्रीन चिलीज. अगेन इसको हम विस्क करेंगे और अब हम इसको फ्राई करेंगे. ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें अपना ऑमलेट का बैटर है वो डालेंगे. वेजिटेबल्स को इवन कर देंगे ताकि पूरे ऑमलेट पर वेजिटेबल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएं.
ऑमलेट ऑलमोस्ट हमारा बन चुका है। अब हम इसको प्लेट में डालेंगे। अब हम पराठा बनाएंगे, जिसके लिए थोड़ा सा ऑयल पहले तवे पर डालकर उसको सेपरेट कर लेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, साथ ही हम इस पर पराठा डाल देंगे। यह हमारा पाकिस्तानी ऑमलेट विद पराठा रेडी है। जी तो आप अब कौन सा गाना सुनाएंगे अपनी सुरीली आवाज में हमें? ईद का मौका है, म्यूजिक के बगैर क्या हो रहा है? देखिए ना, ईद का मौका फायदा उठा रहे हैं हम। ले भड़े मेरी बामाया, मैं मिन्नता करा माया, तू कसम चवा ढोला, तू कसम चवा ढोला, मैं तेरे लेफड़ मेरी माया, मैं मिन्नता करा माया, लेफड़ मेरी माया, मैं मिन्नता करा माया, तू कसम चवा ढोला, तू कसम चवा ढोला, मैं तेरे ले फड़ मेरी माया, मैं मिन्नता करा माया। थैंक यू सो मच जी, आपने मेरे शो को बहुत ही खूबसूरत कर दिया। और मेरी पता क्यों निकला है? पठान का है ना, मेरी पता तो मेरी निकल गया है, वो पठान का मेरी। हाँ वही ना। थैंक यू जी सो मच, आप आई यहाँ पर और ये सब कुछ चमक। थैंक यू। आप लोगों ने प्रोग्राम देखा, हमारे फ्यूचर शेफ्स देखे, सेलिब्रिटीज़ देखे, मुझे दोबारा देखा, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिए, प्लीज़ एहतियात कीजिए। ये बीमारी कोविड जो है बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, हमने इसको मिटाना है, हमने एक साथ रहना है खुशी से और हमने आगे बढ़ना है। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी ईद, ईद मुबारक, बहुत सारी दुआएं, मोहब्बत और प्यार। खुदा हाफिज़।